हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स फिफ्थ ए एक्सरसाइज हम कर रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, एक ही बच्चे ने यहाँ पे करके दिखाया था, दीपांशु मीना ने। तो अब हम यहाँ पर इसको मैं सब सॉल्व कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, टी की पावर एन ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर टी, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें डेल थीटा अपॉन डेल टी निकालना है। पहले फैस जस्ट निकाल लेते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एन टी की पावर एन है, टी सब कर दो, इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन टी की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर टी, ठीक है, प्लस ई की पावर सॉरी टी की पावर एन को छोड़ देते हैं और ई की पावर का कर देते हैं, तो ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर टी हो जाएगा इसका। तो अब आर स्क्वायर अपॉन फोर टी का होगा तो माइनस की टर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर और टी का क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल टी, यहाँ देखिए ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर टी है जो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, एन टी की पावर एन माइनस वन प्लस टी की पावर एन या माइनस माइनस प्लस और टी की पावर एन है ही, साथ में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन फोर टी स्क्वायर, ठीक है, वो भी प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ये डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, अगर डेल थीटा अपॉन डेरा ले लेते, चलो हम यहाँ पर डेल थीटा अपॉन डेरा ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो टी के समय से हम कर नहीं रहे, टी की पावर एन तो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बार हम छोड़ेंगे ऐसे कैसे, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर्टी, अब करेंगे माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर्टी का, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा टू आर, ठीक है, माइनस के टू आर अपॉन फोर्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, माइनस के टू आर क्यूब, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन फोर्टी और टी की पावर एन ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर्टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, कि जो भी टर्म आई है हमारे पास उसको डेल अपॉन डेल आर यानी कि एक बार अवकलन करना है आर के सापेक्ष, ठीक है। डेल अपॉन डेल आर यहाँ भी लिख दो, आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर, दोनों तरफ हो जाएगा माइनस के टू आर क्यूब अपॉन फोर टी और टी की पावर एन टी की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपलन करते हैं, तो टी की पावर एन भाई आर की सबिश कर रहे हो आप, तो यहाँ पर टी की पावर एन माइनस वन कर दूँ ऊपर जाके टी को, टी का तो कुछ होना नहीं है, मैं इसी टर्म को बाहर ले आता हूँ, टी की पावर एन माइनस वन कर देता हूँ और अपॉन भी क्या रह जाएगा, टू से फोर कैंसिल टू रह जाएगा, ठीक है, टी ऊपर जाएगा तो एन माइनस वन हुआ। अब अंदर क्या रहता है, आर क्यूब है, ठीक है, और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर्टी है, ठीक है, यही तो है टर्म, बाई टर्म दोबारा आ गई, और इसका हम क्या करना है, डेल अपॉन डेल आर करना है। तो हम सब क्या करेंगे, यू की पावर यू इंटू वी से करते हैं, आर क्यूब करेंगे तो आर क्यूब को छोड़ दो, पहले बाहर टर्म दे देता हूँ, टी की पावर एन माइनस वन माइनस अपॉन टू, आर क्यूब को छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर्टी और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के टू आर अपॉन फोर्टी प्लस ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन फोर्टी को मैंने छोड़ दिया और आर क्यूब का क्या हो जाएगा, थ्री आर स्क्वायर,
थ्री आर स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, प्लस के साथ में यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ ये वाला, ठीक है, बड़े ब्रैकेट यहाँ लगाता हूँ, ये छोटा ब्रैकेट लग जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए, और ठीक है, तो अब देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तो आपको दिक्कत नहीं है। सो सॉल्व करने के लिए टी बाय माइनस वन बाई टू तो बाहर आएगा, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाने, इसके बाद माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 आ जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा आर क्यूब, यानी कि माइनस के 2 आर 4, ठीक है, तो देखिए जरा, यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर तो रहेगा आपका भाई डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल टी, सॉरी डेल थीटा अपॉन डेल आर, डेल टी नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा टी की पावर एन माइनस वन प्लस का हो जाएगा, और ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40, ये कॉमन आ गया और आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर आ गया आर स्क्वायर अपॉन 2t माइनस के 3, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में है क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास, तो टर्म है 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, 1 अपॉन आर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल आर एंड आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40, ठीक है, इनटू में आर स्क्वायर और टी की पावर एन माइनस वन अपॉन टू, देन आर स्क्वायर अपॉन 2t माइनस के 3, ठीक है, तो ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40, देन टी की पावर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है पूरे टर्म को, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है आर स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है, टी की पावर एन माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन 2t माइनस के 3, ठीक है, समीकरण 2 मान लेते हैं, अब 1 2 को हम बराबर करते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म हमारे पास जो आई है ये समीकरण नंबर जो 1 है हमारे पास वो आप देखिए ये आई है, ठीक है, तो लगभग लगभग बराबर तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ टर्म है जिसमें वो कैंसिल हो जाएगी, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को बराबर करने पर ठीक है क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40 और टी की पावर एन माइनस वन अपॉन, और अंदर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 40 प्लस एन, ठीक है, ये तो था इस पहले वाले का, हमने कॉमन ले लिया टी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया वहां से, और यहाँ पर जाएगा ई की पावर माइनस के आर स्क्वायर अपॉन 40 टी की पावर एन माइनस वन अपॉन टू और आर स्क्वायर अपॉन 2t माइनस के 3, इससे कैंसिल टी एन माइनस वन से टी एन माइनस वन कैंसिल, यहाँ पर जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 40 प्लस 3, और यहाँ पर जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 40 टू टू 40 माइनस के 3/2, ठीक है, दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हमें एन की वैल्यू चाहिए, और एन जो है हमारे पास ये वाला है प्लस में, ये एन है 3 नहीं है, प्लस में एन है, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 3/2, ठीक है, ये हमको आंसर है, यही हमें निकालना था एन की वैल्यू, तो आपको समझ में आ गया होगा सवाल जो है इजीली सॉल्व हो गया है, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्टूडेंट्स
आपने अगर ट्राई किया होता तो सवाल आपसे भी हो जाता, और ट्राई नहीं करोगे तो सवाल अपने आप होगा भी नहीं और पेपर में भी नहीं हो, ये बात ध्यान रख लो। ठीक है, अगर आप अपने आप ट्राई नहीं किया सवाल पेपर में भी आपसे नहीं होगा। तो हमें काम तो कराना, मैं आपको कराया, आप समझ में आ रहा हो आपको। मैं नेक्स्ट जो हमारा था कल संघात फलन, उस पे लेके आता हूँ आपको। सवाल में कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हैं आप। टर्म को ऐसे सजाना था, सेट करना था, इससे आसपास वाली जो टर्म है वो सब कैंसिल हो जाए। ठीक है, मतलब कि आपस एंड ही बचे, और ज्यादा कोई हार्ड भी नहीं था उसका समापन करना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था संघात फलन। संघात फलन पर हमने देख लिया था संघात फलन को। ठीक है, तो इस पर एक प्रमेय होती है, और प्रमेय का नाम होता है आयलर प्रमेय। ठीक है, क्या होती है आयलर प्रमेय, तो उसको देख लेते हैं। संघात फलन, फलनों पर जो आयलर प्रमेय है उसको करने से पहले मैं आपको कुछ ही बता जाता हूँ कि हमने जैसे कल लिया था कोई क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो टर्म है एक्स और वाई की टर्म को मैं ऐड करूंगा तो हर तरफ इक्वल टर्म आएगी। ठीक है, एन टर्म्स आएंगी, तो इसके लिए मैं इस कह रहा हूं कि ये एक एन घात का संघात फलन है, और संघात फलन की प्रमेय संघात फलनों पे ही काम में आएगी। तो पहले से बात समझ ले, एन घात का क्या है, ये संघात फलन है। ठीक है, उसको क्या ले सकते हैं हम, कुछ भी क्या करना है कि हमें एक्स की पावर मैक्सिमम जो है उसको तो कॉमन लेना है। ठीक है, हर सवाल में आपको करना भी है कि एक्स की पावर जो मैक्सिमम होगी ना उसको कॉमन लेना है, ये दिखाने के लिए कि वो कितने घात का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो संघात फलन है वो वाई अपॉन एक्स की टर्म में लिखना है। किसमें लिखना है, वाई अपॉन एक्स की टर्म में। अगर वाई अपॉन एक्स की टर्म में लिखा होगा तो ही वो टर्म जो है काम में होगी, वो टर्म अच्छे से आप समझ पाओगे। तो वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए एन वाई अपॉन एक्स की पावर एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ एक्स की पावर एन और एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये वाई अपॉन एक्स मतलब कि एक्स पावर एन कॉमन लिया तो सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या रह गया, एक्स ए नॉट रह गया, या एक्स की पावर एन को हमने भाग दिया तो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर माइनस वन बचेगा वो आ जाएगा नीचे, तो यहाँ रहेगा ऊपर वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, प्लस ए टू ऐसे ही वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है। ठीक है, ऐसे सेम अगर वाई पावर एन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, जैसे वाई अपॉन एक्स हुआ था एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम उसको एन घात का संघात फलन कहलाता है, एक्स की पावर एन। अब इसी में जो ये पावर एन आ रही है ना, इसको हम चेक कर लेंगे कितनी आ रही है, उतनी ही घात का ये संघात फलन बन जाएगा। यहाँ पे एन आया थी तो एन घात का हो गया, मतलब कभी क्यूब आया कभी फोर आया तो उतनी घात का ये क्या बन जाएगा, संघात फलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि एफ एक्स व वाई में ऐसा व्यंजक है जिसे एक्स की पावर एन वाई अपॉन एक्स के रूप में या वाई की पावर एन के रूप में प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके, तो एफ जो है वो एन घात का क्या कहलाता है, संघात फलन कहलाता है, एन घात का संघात फलन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ये टर्म जो है इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आपको देख रहे हैं कि कंटिन्यूटली जो काम हो रहा है, जो काम बन रहा है हमारा, उसमें आपको एक्स की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना ही लेना पड़ेगा, या वाई की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेना लेना पड़ेगा। आप वाई अपॉन एक्स
एक्स अपॉन वाई की टर्म बनाइए, इस तरह टर्म बनाइए, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पावर जो है वो क्या आ रही है, उतनी घात का समघात बन जाए, क्योंकि ये एन का मान आपको अब समघात फलनों की जो आयलर फॉर्म में आप कर लेंगे उसमें काम में आएगा, ठीक है, उसमें जरूर काम आएगा ये, तो इसलिए हम आपको जरूरी है कि ये सब चीजें आप समझें। तो समघात फलन की आयलर फॉर्म है वो तो हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन आपको फिर भी इसका स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, प्रूफ हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहां पर जो समघात फलनों की प्रमेय है उसमें उसका जो कथन है हमारे पास, ठीक है, फलनों पर जो आयलर प्रमेय है उस समय कथन लिख के बताता हूँ आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, कह दो थ्योरम भी है, ठीक है, कि यदि एफ ऑफ एक्स वाई चरों एक्स तथा वाई का एन घात समघात फलन हो तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये समीकरण आपको याद रखनी है, या फिर ये चीज जो है आपका अब आने वाले सारे क्वेश्चंस का ये हल है, ये लगा लो कि एक्स को मल्टीप्लाई करूं मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स से, वाई को करूं मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई से, तो जितनी घात का समघात फलन है ना उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफ से वो बराबर आ जाएगी टर्म, यानी मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अगर एन इंटू एफ कर दूं फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रूफ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के इतना ही रखते हैं, थैंक यू।